इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो स्प्लिट शेयर हुए हैं उनको इसमें दिखाता नहीं है अभी। जैसे दूसरे ऐप में दिखाने लग गया मैं वो भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये एम स्टॉक है, तो एम स्टॉक में जैसे कि हमने गोयल एल्युमिनियम के शेयर खरीदे थे 362 में, 3 खरीदे, फिर ये 27 खरीदे, 30 हो गए, 63 करे, 93, ऐसे मैंने लगभग अपना खरीदे हैं 504, ये जैसे कि 24 खरीदे हैं, फिर उसके बाद आपका हम का 14 खरीदे हैं और 10 खरीदे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे खरीदे, मतलब कि ये फिर अपना 20 खरीदे हैं वाले, फिर उसके बाद में आपका 13, 2 और 33, और फिर 139, 83, 82 और ये 35, 10, 1, 6, 1, 4, 1, 1, फिर इस प्रकार से मैंने 504 शेयर खरीदे हैं, 34 खरीदे, फिर आपका एग्जिट आ गया ये, और इससे मैंने 504 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो 504 शेयर में से ये बता रहा है अपना, अभी से स्प्लिट हो गया और 36 रुपये में आ गया शेयर। ठीक है ना, इस पोर्टफोलियो पे हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर दिखा नहीं रहा, जबकि दूसरा ऐप दिखा रहा है, ये जैसे गोयल आपका वो है तो ये गोयल एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 504 ही दे दिखा रहा है। ठीक है, ये 504 जबकि स्प्लिट हो गए, एक के करीबन 9 शेयर हो गए, तो और मेरे को यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट किया तो बता रहा है मात्र आपका ये 18,000 रुपये इन्वेस्ट बता रहा है। ठीक है ना, ये 18,000 बता रहा है और 504 ऊपर जो शेयर है क्वांटिटी वो बता रहा है 36, 44 के भाव के, जबकि हमने वो 362 के लगभग, 360 के लगभग खरीदे हैं और 504, 5, 3, 5, 6, 30, 262 के, तो 5, 2, 9, 10, 5, 5, 3, 15, हाँ 362, 362 × 504 मतलब 2,90,95,000 के उसे खरीदे हैं अपन ने, और यहाँ पर दिखा रहा मात्र ये 18,368, जबकि दूसरे ऐप में आप देखेंगे तो जैसे कि हमारा ग्रो में खरीदे थे तो ग्रो में हम इसको हटा देते हैं, तो ग्रो में भी दिखा रहा है, जबकि एम स्टॉक उसने ग्रो ने सुबह ही बता दिया, कल भी बताया तो वहाँ पे मार्क दे दिया था, कल नहीं मिले थे तो उसने मार्क दे दिया था कि इतने शेयर स्प्लिट हुए हैं, तो ऊपर दे दिया था 2300 समथिंग। तो हम इसमें ग्रो में देखते हैं, होल्डिंग में जाते हैं और होल्डिंग में देखते हैं हम, और ये गोयल एल्युम 2500 हो गए, ये देख सकते हैं ये वाले 2500 शेयर हो गए, यहाँ पे 296, 97 ही खरीदे हुए थे अपन ने, पर जैसे ही 36 का भाव हुआ तो इसने बता दिया, तो ग्रो ज़्यादा बेटर है ये, मतलब पैसे को हटाक से दिखा देता है। अभी का जो लेन देन हुआ, आज का भी जो भी बचेगा वो 10, 11, 12 बजे रात तक ये दिखा देगा, और एम स्टॉक नहीं दिखाया है, एम स्टॉक कल सुबह, और उसने आज शेयर ही स्प्लिट शेयर नहीं दिए, जो 2570 हुए थे वहाँ पे 5,000, 6,000 शेयर आने थे 36 के भाव से, 1,95,996 के, वो नहीं आया और ये बता दिया, और ये अमाउंट भी उतना ही बता रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट 18,000 बता रहा है जबकि इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, हमने 1 लाख किया 93,90,93,000, तो वो दिखा रहा है इसे, ये इसको देखें तो ये यहाँ नहीं, यहाँ पर दिखेगा, सॉरी ये नहीं, ये 1,93,000 मतलब कि 93,291 रुपये इन्वेस्ट किया, 1,10,000 बन रहा है। तो ये गोयल एल्युमिनियम वाला पूरा सही साठ ये दे रहा है ग्रो वाला, उसमें आपका दिखाया नहीं, मतलब 1,95,000 गायब, आदमी तो घबराते रहता है, एक तो लेट देता है और आपका पैसा क्या पता कहाँ यूज़ करता है, फ्री के उसके चक्कर में हम एक दिन आज कभी बेचना होते, भाव गिर रहे होते तो लॉस हो जाता, अब 2 लाख पे कभी 5% का लॉस होता, 5, 10 हज़ार का हो जाता है, और 10,000 की ट्रेडिंग का हम देंगे करीबन करीबन 2 से 3 महीने में, तो इस प्रकार से अगर बड़ा अमाउंट है 2, 4, 5 लाख का उस शेप में, और वो स्लो भी चलता है तो वो पूरता नहीं मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं दिख रहा कि वो किसी हिसाब से
वो है। और ये देख लीजिए यहाँ पर उसने प्रॉफिट काट के जो आज हमने शेयर और ये बेचे वो भी दिखा दीजिए, 6,200 था, बाकी 1,000 जो वो शेयर बेच के जो आया वो प्रॉफिट भी उसमें ऐड करके उसने दिखा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाफट दिखा देता है और उसमें प्रॉब्लम आती है।